अगर मुझे आपको इस तरीके से नंगा देखना पसंद होता तो मैं आपको वो समय पे छोड़ दी होती, वो दौर जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, जब मैं एक कंधे पे आपको टांग के, एक लड़की होने के बाद भी एक कंधे पे टांगती थी और एक हाथ से आपका बैग ढोती थी और एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट दौड़ के भागती थी, जब आपके सो कॉल्ड लोग जो हैं, चाहे वो आज जो चार चमचे पैदा हो गए हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, कुछ पटना से हैं और कुछ यहाँ पे उनके साथ आके रह रहे हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है उनसे, जिनको पवन सिंह के ओहदे की ज़रूरत है, पवन सिंह के पैसे की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, मुझे नहीं है। तो मैं वो समय भी कर सकती थी आपके साथ अगर मुझे गलत करना रहता, तो जब आप ना एकदम गिर जाते थे ना एयरपोर्ट पे, ज़मीन पे लेट जाते थे, उस समय अक्षरा सिंह ही इधर से उधर लेके आपको गोद में भागती थी। क्यों? क्योंकि आपका नाम कहीं से बदनाम ना हो जाए, आपका नाम लोग गलत वे में ना बोलें। आप पीते थे, लोग कहते थे, उठपटांग बातें करते थे। मुझे याद है पूजा कि मैं ऐसे हाथ जोड़ती थी, आज भी दिल्ली जब भी मैं एयरपोर्ट पे चली जाऊं या और कहीं चली जाऊं, मैं हर जगह फ्लाइट में भीख मांगती थी, मैं हर जगह एयरपोर्ट पे पुलिस से, सिक्योरिटी से भीख मांगती थी कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, इनको आप प्लीज़ इनके लिए गलत मत बोलिए या इनको आप फ्लाइट में चढ़ने से मत रोकिए। अगर मेरे अंदर इतना ही आपको गिराने की इच्छा होती कि मैं आपको लोगों के सामने गिरता हुआ देखूं, तो मैं ये पहले कर चुकी होती जब मेरे हाथ में चीज़ें थी। अक्षरा तो शादी करेगी नहीं। सबसे पहले तो इस वक्त जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम, और जितने चैनल्स वाले हैं उन लोगों को प्रणाम। ये बेसिकली रैप सॉन्ग है जो कि कुछ नया करने की कोशिश, जैसा कि मैं हर बार अपने एल्बम्स के ज़रिए करती हूँ, वैसे ही कुछ अलग टाइप का, जो कि शिव जी का गाना है। श्रावण का महीना चल रहा है तो बिना शिव जी के गाने का पूरा नहीं होता है सावन, तो इसलिए कुछ अलग। अमूमन हम लोग बोलबम के गाने करते हैं, पर कुछ अलग करने की कोशिश की है। साथ ही बहुत सारे लोकगीत हैं जो कि आज शूट होने वाले हैं। अच्छा, आप काफ़ी, अभी हमने देखा शूट, आप देख कर गाना शूट कर रहे थे, एक अलग एक्सपीरियंस होगा चाहिए। बिल्कुल है, बिकॉज आज संजोग से बारिश होने लगी, सोचा नहीं था कि बारिश होगी, बट कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, बारिश हो या कुछ भी हो जाए शूट तो करना ही है, बिकॉज हमारी यूनिट जो है सबको बैठना पड़ता, सो इसलिए हम लोग शूट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम एल्बम का नहीं कह सकते हैं, इंडिविजुअल एक एक सिंगल गाने हैं जो कि फिल्माए जा रहे हैं। एक तो है चली मैं चली भोले की गली, एक है गुदवाली मैंने भोले नाम का टैटू, एंड और भी बहुत सारे लोकगीत हैं। अक्षरा ने बहुत सारे एल्बम किए, इससे पहले भी और सारे बाबा पे एल्बम हैं, इस एल्बम में उससे ज़्यादा खास क्या है? इस एल्बम में मेरा एक नया अवतार है, और चूंकि मैं एल्बम्स नए नए अंदाज में करती हूँ विद डांसर्स एंड ऑल, थोड़ा ग्रेंजर हो जाता है, तो इसमें भी कुछ खास है और उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगा। शब्द जो बोल हैं गाने के वो भोजपुरी नहीं है, वो हिंदी है, सो वो भी एक नयापन है इस चीज़ में, एंड बहुत अच्छे से हम लोग शूट कर रहे हैं। बाबा से इस बार, हर बार ही यही मांगती हूँ कि मुझे खूब सारी शक्ति दे भगवान और सद्बुद्धि दे, ताकि मैं और आगे अच्छा काम कर सकूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ,
और खूब सारी उपलब्धि दे भगवान, और साथ ही मेरे दर्शकगण जितना मुझे प्यार करते हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहे दिन पर दिन, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा मायने और कुछ नहीं रखता है। सो यही मेरी चाहत है। अक्षरा तो शादी करेगी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, इतना बड़ा धक्का मेरे जीवन को लगा है, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं दूर दूर तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है, जो कि कुछ समय से बहुत बहुत दिनों से ऐसा सुनती हूँ कि लोग लड़कियाँ मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लेती हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, और मुझे ऐसा लगता है मेरे कंधे पे एक बोझ है और उस चीज़ को मुझे पूरा करना है और ऐसा प्रूव करना है कि एक लड़की भी आगे अपने दम पर बहुत बड़ा नाम बना सकती है।